नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। 17 साल की एक लड़की को उसके घर से कुछ युवकों ने एक समूह ने दिन दहाड़े अगवा कर लिया है। ये घटना आगरा के ताजगंज पुलिस सीमा में हुई और इस घटना का एक कथित वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो क्लिप में कुछ युवकों को लड़की के घर की दीवार पर चढ़ते देखा जा सकता है, जबकि इस दौरान लोग घटना का वीडियो बनाते नजर आते हैं। आरोपी युवक इसके लड़की के परिवार के लोगों पर लाठी और चाकू से हमला भी करते हैं। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों के सामने बेखौफ लड़की को साथ चले जाते हैं। पुलिस के अनुसार घटना 26 अक्टूबर को हुई थी। अगले दिन लड़की को बचा लिया गया था। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लड़की के पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि स्थानीय निवासी अरुण उर्फ लाला उसकी बेटी के साथ लगातार बदसलूकी कर रहा था। शिकायतकर्ता जो एक दिहाड़ी मजदूर है, उसने कहा कि विरोध करने पर अरुण और उसके साथी मेरे घर में घुस गए और हमारे साथ मारपीट करने लगे। बाद में वे मेरी बेटी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गई। लड़की के पिता ने बताया कि इस वारदात को देखने के लिए आसपास से भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आया है। सभी लोग तमाशा देख रहे थे। मेरा परिवार अब लगातार खौफ में जी रहा है। हम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन वीडियो सबूत होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। लड़की के पिता ने कहा, जब मेरा परिवार SSP प्रभाकर चौधरी से मिला, उसके बाद ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और अब दोस्तों कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया है। बहुत बड़ी खबर ये नजारा आप देख सकते हैं। पुलिस छानबीन कर रही है, CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।